हेलो दोस्तों, सिंपल फूड हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ की बहुत ही फेमस चिकन डिश। इसका नाम है चिकन चेटीनाड। ये थोड़ी सी स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ताज़े कूटे हुए मसालों के साथ बनाई हुई ये चिकन डिश राइस या नान के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लेना है हमें 500 ग्राम चिकन, 1.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री, 2 तेज पत्ते, 4 लाल मिर्चियाँ, 1/2 कप सूखा नारियल, 1 टीस्पून इमली की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून हल्दी, 3 बड़े चम्मच कोई भी तेल लग सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, कुछ कड़ी पत्ता और स्वादानुसार नमक, 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटो और 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। पहले तो हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इस मैरिनेशन में हम लगाएंगे नमक, हल्दी और नींबू का रस। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम 1/2 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे, जिससे चिकन को ये फ्लेवर्स अच्छी तरह से लग जाए और अपना चिकन स्वादिष्ट बने। इसके लिए आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बोन्स वाले भी पीसेस लिए हैं, जिससे स्वाद अच्छा आता है। चिकन पीसेस मीडियम आकार के हो। ये रहा मैरिनेटेड चिकन। अब एक पैन गरम करके उसमें हम सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसे धीमी आंच पे ही कुक करना है, जिससे उसका जो नेचुरल अरोमा है वो अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पे जो मैंने लाल मिर्ची ली है वो थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्ची है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, जिसकी वजह से जो मसाला हमारा बनता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का बनता है। यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक ये मसाले धीमी आंच पे ठीक से भून लिए हैं। अब हम हमारा ड्राई कोकोनट भी धीमी आंच पे ठीक से भून लेंगे। ये रहा हमारा भुना हुआ मसाला। इसे अब हम ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी इमली पेस्ट जो हमने ली थी वो भी डालनी है पीसते वक्त। ये रहा हमारा चिकन चेटीनाड का मसाला। एक बर्तन गरम करके उसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। आप जो भी तेल यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे पहले कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज, इसे हम अब थोड़ा भून लेते हैं। इसमें डलेगी अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब जाएगा इसमें कटा हुआ टमाटर, अच्छी तरह से मिक्स करके भून लीजिएगा जब तक प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं इसमें। सॉल्ट की वजह से क्या होता है, प्याज अपना जल्दी पक जाता है। अब इसमें डलेगा हमारा मैरिनेटेड चिकन। अब इस चिकन को प्याज और टमाटर के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करके भून लीजिए। और बिल्कुल पानी नहीं डालना है इस वक्त, चिकन अपने जूसेस में ही कुक होगा पहले। इस प्रकार हमें 3 से 4 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें डलेगा हमारा चिकन चेटीनाड का मसाला जो हमने बारीक पीस लिया था। इस मसाले को डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और धीमी आंच पे
थोड़ा और भून लेना है। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। अब इसमें डलेगा 1.5 कप गर्म पानी, मैंने 1 कप यहाँ पे डाल दिया है, और मैं थोड़ा इसे मिक्स कर लूँगी। अभी मैं अपने मिक्सर के जार में मैंने थोड़ा 1/2 कप पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया है। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढककर 15 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाऊंगी। अपना चिकन 15 मिनट तक पक के तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया है, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। अब इसमें डालना है हमें कटा हुआ धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपना चिकन चट्टी नार यहाँ पे बनकर तैयार है। ये बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है, थोड़ी तीखी भी बनती है। आप आपके स्वादानुसार मिर्ची कम तीखी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो करी है चटनी नार, ये इसकी स्पाइस के लिए ही जानी जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप कमेंट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसी बनी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ हमारे नए रेसिपी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।